नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत ही खास वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये थोड़ा वीडियो साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड है, तो थोड़ा पेशेंस की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बट थ्रू आउट द वीडियो आपको काफ़ी सारी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, एंड आई रियल रियली होप कि आपके लाइफ में भी एक काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस इस वीडियो के थ्रू आए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो पूरा वीडियो देखिए, मेरे लिए नहीं सिर्फ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो का टाइटल ये है कि हाउ टू डांस विथ मैड एलिफेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो जो लोग मुझे जानते हैं और या तो जो लोग पैसा तो बनेगा के फेसबुक ग्रुप में हैं, उन्होंने ये थियरी काफ़ी सारी पढ़ी है मेरी, कि मैं मैड एलिफेंट एक मेटाफर यूज़ करता हूँ जिसके थ्रू मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं और काफ़ी सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना मान लीजिए कि मेरा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जब मैं राइट नाउ आई एम 29 एंड व्हेन आई एंटर इन द स्टॉक मार्केट अराउंड लाइक 19 और 20, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स आई रियलाइज के स्टॉक मार्केट में एक मैड एलिफेंट है और उसके सामने मेरी एक फाइट चल रही है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई पर्सनल जर्नी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स, व्हाट आई रियलाइज इन ट्रेडिंग एंड वॉट आई हैव डन टू मेक माई सेल्फ बेटर वेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एंड वॉट आर माई कंक्लूसिव लेशंस। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी, और काफ़ी सारा कंक्लूजन मेरे पास आया। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ श्योरली शेयर करूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट और एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट अ सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ जर्नी। तो आप मेरी जर्नी में शामिल हो सकते हैं, पर आपको आपकी खुद की जर्नी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये एक पिक्चर है, मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे पिक्चर है, मेरे कंप्यूटर पे भी पड़े रहते हैं, कि देर इज़ अ मैड डांसिंग एलिफेंट इन द स्टॉक मार्केट। और धीरे धीरे हम सीखेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग करता था इनिशियली, तो इनिशियली कुछ इस तरह से होते हैं कोई ट्रेडर की जर्नी कि बिगिनर्स होते हैं सब लोग, राइट? कोई ऐसा तो नहीं होता है कि जो एक्सपर्ट ही होता है। तो इनिशियली होता क्या है एक ट्रेडर्स की लाइफ में, कि इनिशियली लेवल में कुछ नहीं पता होता है, या तो फैमिली से या तो फ्रेंड्स से, कहीं बाहर से पता चलता है कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग जैसी कुछ चीज़ है, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं। फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑन द स्पॉट लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्यूरियोसिटी दिखाएंगे और उनको ये स्टॉक मार्केट बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो लोग खींचे चले जाएंगे। फिर एक अलग तरीके से हर ट्रेडिंग की एक जर्नी चालू होती है, कोई सीखता है, कोई डायरेक्ट ट्रेड करता है, कोई लॉस करता है, कोई लॉस करके प्रॉफिट करता है, कोई बड़ा लॉस करता है, कोई छोटा लॉस करता है, कोई बड़ा प्रॉफिट करता है। अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप भी जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास से आते हैं, काफ़ी सारे अपर क्लास से आते हैं, हर एक तरीके के लोग आते हैं, जिसके पास छोटी कैपिटल होती है, बड़ी कैपिटल होती है, ये सब कुछ होता है। पर स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। स्टॉक मार्केट मुझे लगता है कि अगर मैं कंक्लूसिवली बोलूँ तो ये बहुत एक्चुअली फेयर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। द रीज़न इज कि यहाँ पे इट डजेंट मैटर कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका स्किन कलर क्या है और आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ करते कि जो भी मेजर पॉइंट है मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, तो सबसे पहले ये है कि स्टॉक मार्केट इनवाइट्स ऑल पीपल। आइडियली वी कैन से दैट इट इज़ अ फेयर प्लेटफॉर्म, इट डज नॉट मैटर हु यू आर,
इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, या तो आप एक बिजनेसमैन हो, या तो आपने कोई स्टेट लेवल या तो नेशनल लेवल के एग्जाम क्लियर करके आप बैठे हो, आप इंजीनियर हो, आप CEO, इट डजेंट मैटर। और ये भी मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी कैपिटल हो, एवरीवन इज इनवाइटेड, राइट। सिर्फ 5000 रुपीज से भी आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो अगर एक तरह से ऑब्जेक्टिवली इसको देखा जाए तो बहुत फेयर गेम है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यार, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी एक फेयर गेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शायद ये हो सकता है कि काफी लोग स्टॉक मार्केट में सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेयर गेम है। फेयर इस तरह से है, इसको एक एग्जांपल देखने जाओ तो अर्ली जो ट्राइबल ईयर्स थे कि लोग जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, घर पे खाना लाते थे, तो पूरा एक फैमिली होता था 20-25-50 लोगों का, पूरा एक ट्राइब होती, तो वेट करती थी। तो उसमें जो अल्फा मेल्स थे 5-6 लोग हमेशा शिकार करने जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि उनको शिकार मिलता ही नहीं था, घंटों तक ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं होता था, कई बार होगा तो बहुत छोटी सी चीज़ होगी। तो क्या होता है कि वो जो ट्राइब होती है उसको चलाने के लिए तो थोड़ा एक ग्रुप होता है, उसको एक्सपर्ट होना पड़ता है हंटिंग में, क्योंकि उनकी हंटिंग की एबिलिटी से ही पूरा जो ट्राइब है उसका सर्वाइवल होगा। तो बहुत फेयर चीज़ होती थी कि आज तुम नहीं लेके आए तो मतलब तुम्हारी पूरी ट्राइब कुछ नहीं खा सकेगी, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है वो बहुत अलग हो गया है, अभी का टाइम है वो क्या हो गया, अलग हो गया है। अभी काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं तो क्या होता है, उनको शिकार करने नहीं जाता है, जैसे बिजनेस में शिकार करना बोलते हैं उनको उसको, पर प्रॉफिट लाना है, मतलब लाना है। जॉब में नहीं होता है, कुछ एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एज फार एज यू आर मीटिंग इट आप सही हो। तो उसमें एक दूसरी चीज भी आगे निकलती है कि पीपल हु आर डूइंग जॉब एंड देन कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, तो इसके बारे में काफी सारी पैटर्न सामने निकलती है कि जॉब में क्या होता है, एक डूएस डायरेक्टेड वाले काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं, राइट। ज़्यादातर जो जॉब होती है 100 में से 90-95 वहाँ पे बॉटम लाइन जो प्रॉफिट होता है ना उसका कोई प्रेशर नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में। मैं यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स वाली जॉब नहीं बोलता, वहाँ पे भी एक कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर वो भी लिमिटेड है। तो जब वो लोग स्टॉक मार्केट में थे तो भी नई नई चीज़ होती है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होती है। ये मेरा सीखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये मेरा एक बहुत बड़ा सेकंड रियलाइजेशन है कि जो लोग जॉब करते हैं और बाद में स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते हैं तो वो भी एक अलग तरीके का होता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा मुझे ये पता चला कि वी ऑल आर नॉट ट्रेंड टू हैंडल मनी एंड टू मेक मनी। ये बहुत डेंजरस रियलाइजेशन था मेरी लाइफ का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद ये क्वेश्चन करिए अपने आप से कि आपने जहाँ से पढ़ाई की है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, हमारे यहाँ पे कितने कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ मनी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मनी क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, मनी के लिए कौन सी साइकोलॉजी चाहिए, मनी के लिए कौन सी एबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो जो एक मास होता है, जो एक ग्रुप होता है, 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 300, 500, वो जो बाहर आता है, तो हम एक ऐसे ग्रुप से डील करते हैं सोसाइटी में जिनको मनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको ट्रेन किया गया होता है। We all are trained to do some specific work. आप देखिए कि जो हमारा स्कूल है उसका एक पैटर्न देखिए,
जो हमारा कॉलेज उसके एक पैटर्न देखिए, वो हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेन करते हैं कि ये फॉलो करो, ये फॉलो किया तो ये रिजल्ट आया, गुड वर्क, एंड ऑफ द डे सो जाओ, ठीक है। कोई भी एजुकेशन मॉनेटरी फाइनेंस के वेल्थ बेस पे होता नहीं, हालांकि होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है कि जो स्टॉक मार्केट में अफेक्ट होते हैं। तो हमें आपको क्वेश्चन करना है अपने आप को कि हम कितने ट्रेंड हैं मनी को हैंडल करने में, कितना हमारा साइकोलॉजी अच्छा है मनी को मैनेज करने में, ठीक है। तो ये भी हम आपको देखना है। दूसरी चीज ये है कि जनरली इन सोसाइटी वी ऑल लाइक टू बी अ विनर। एक एग्जांपल लेता हूं, अब जहां पे कहीं पे रह रहे हो, लोअर मिडिल क्लास में ले रहे हो, अपर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में, जनरली हम ऑफिस जाते हैं या तो बिजनेस करते हैं या तो फैमिली में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो जनरली एक एक कॉमन कॉन्फिडेंस चाहिए कि यू आर अ विनर, क्योंकि सोसाइटी है वो लूजर को एक्सेप्ट करेगी नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगा नहीं, फ्रेंड्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं। पर एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी खामियां होती है हम सब में, पर वो एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि द मोमेंट अगर आप फैमिली में घर पे जाके बोलोगे कि आई थिंक इट्स इनफ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपने प्रोफेसर को जाके बोलोगे कि भाई इट्स इनफ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो वो नहीं है। अगर आप अपने बॉस को जाके बोलोगे तो बोलेगा कि नहीं नहीं आपके जैसे तो 15 एम्प्लॉई वो तो करते, आप क्यों नहीं करते। तो हमारा जो पूरा स्कूल है, हमारा जो फैमिली है, वो चाहता है कि हम विनर बने, इवन दो कि हमारे पास क्वालिटी ना हो विनर की, तो वो एक और डेंजरस प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आगे जाके, अभी थोड़ा इसको टच बेस कर लेते हैं। दोस्तों ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी टाइम जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे लॉसेस एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है, तो उनके लिए, उसको लर्न करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई मेंटर नहीं होता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आज के टाइम में हमारे पास YouTube जैसी चीज़ है जिसपे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें एक्चुअली लर्निंग कोई पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई बंदा कोई स्पेसिफिक जर्नी से उन्हें गो थ्रू नहीं किया हुआ है ना, कोई चीज़ से सफ़र नहीं किया हुआ है, तब तक वो बंदा एक्चुअली सीखा भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास वो चीज़ का एक इनडेप्थ नॉलेज होगा ना, वो होगा ही नहीं। तो काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि जो होस्ट है उसका इंटेंशन क्या है, उनका नॉलेज कितना है, और सही में उनका फाइनल एम क्या है, ठीक है। तो जो मैड एलिफेंट वाली थियरी है, वो मेरी एक पर्सनल थियरी है। जब मुझे काफ़ी सारे छोटे मोटे लॉसेस हुए, जब मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की, तब मुझे ये पता चला कि देर इज़ ए मैड एलिफेंट इन द स्टॉक मार्केट, एंड दैट मैड एलिफेंट नोज एवरीथिंग, ठीक है। दैट मैड एलिफेंट इज इवन डांसिस। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में होते हो, तो आपका सामना एक एलिफेंट से हो रहा है जो मैड भी है और वो डांस भी कर रहा है, तो आपके बचने के चांसेस कितने हैं। तो आपको अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा उस एलिफेंट को, उस एलिफेंट के साथ डांस करने के लिए, राइट। उसके साथ हर सुबह डांस करना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। सो ये एक मेटाफोर मैंने अपने आप के लिए यूज़ किया है, वो मुझे बहुत फ़ायदाकारक हुआ है कि हैंडल करने में, क्योंकि काफ़ी सारी बात जब दिन ख़त्म होता है तो क्वेश्चंस होता है, अरे यार ये गलती बार बार रिपीट क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और काफ़ी सारे टाइम आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, ढूंढते हो, तो कई चीज़ों का आंसर नहीं मिलते, फिर कई चीज़ें आपको आंसर डे बाई डे, मंथ बाई मंथ रियलाइजेशन होता है उस आंसर का, राइट। तो हम ये देखेंगे, तो उन सभी चीज़ों के काफ़ी सारे ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ।
कि हम लोग क्या है और हमारा सामना किससे है। तो उससे पहले काफी सारी चीजें जाननी जरूरी होती है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीजें ये हैं कि ईगो, वी विल डाई एंड स्टिल वी विल नॉट नो दैट आवर एंटायर लाइफ वॉज डोमिनेटेड बाय आवर ईगो। तो जब मैं ईगो बोलता हूँ दोस्तों, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब हमारे फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बात करते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, मैं वो वाले ईगो की बात नहीं कर रहा, मैं वो वाले ईगो की बात नहीं कर रहा। हम सबके अंदर एक ईगो होता है, सिर्फ एक ईगो का जो इंटेंसिटी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बाकी सबके अंदर होता है। कोई बंदा बहुत ही शांत होता है, बहुत ही हम्बल होता है, पर उसमें बहुत ही नेगेटिव ईगो हो सकता है। कोई बंदा बहुत ही एग्रेसिव होता है पर उसमें बहुत अच्छा ईगो हो सकता है, राइट? जनरल परसेप्शन है ना हमारा ईगो के बारे में बहुत रॉन्ग है। ईगो वो क्या होता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यू और हमारे थॉट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। उससे हम पूरी लाइफ है ना हम गुजारते हैं। और काफी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये जो हमारे अंदर का ईगो है ना, वो शायद 10,000 में से एक लोग ही रियलाइज कर पाते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो, क्योंकि इसके बारे में आपको काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ईगो एक्चुअली होता क्या है और वो कितनी हद तक हमारे जो माइनर डिसीजन है लाइफ में, हमारे जो मेजर डिसीजन है उसको डोमिनेट करते। आपको लगेगा कि आपका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एवरीथिंग, आज खाना है, पीना है, बाहर जाना है, फ्रेंड्स कौन से हैं हमारे, एनिमीज कौन से हैं हमारे, क्या डिसीजन ले रहे हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय अवर ईगो, वी जस्ट डोंट नो इट। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि हम मर जाएंगे फिर भी पता नहीं चलेगा क्यों, कि हमने लाइफ में जो कुछ किया है ना वो सिर्फ हमारे ईगो के लिए किया। और ये चीज़ इतनी सेंसिटिव है दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग इसको इसलिए रियलाइज़ नहीं कर पाते कि जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर पाए ना तो क्या होगा कि वो बहुत ख़राब दिन होता है, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस है वो पूरा मिट जाता है वहीं से। कि आज तक जितना बिलीव किया, आज तक जितने एथिक्स फॉलो किए, जितने वैल्यू फॉलो किए, जो सिखाया गया उस सब का कोई मीनिंग नहीं बचेगा, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप क्या हो और सही में कुछ हो कि नहीं हो, ठीक है? तो इट्स अ जर्नी, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सेल्फ जर्नी, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि पॉसिबल हो तो कई बार आप अकेले बैठे हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि आपका ईगो कहाँ पे है और वो किस हद तक आपकी लाइफ में डोमिनेट करता है। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज 5 फ्रेंड्स, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ईगो, नथिंग एल्स। हम जगह जहाँ पे जॉब करते हैं दैट इज़ अ बिट रिफ्लेक्शन ऑफ ईगो, हम जहाँ पे बिजनेस करते हैं दैट इज़ ऑल्सो बिट रिफ्लेक्शन ऑफ ईगो, हम जिसके साथ रह रहे हैं दैट इज ऑल्सो बिट रिफ्लेक्शन ऑफ ईगो। कॉन्स्टेंटली 24/7 वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अवर ईगो इन वन वे और अनदर वे, और वो बहुत डेंजरस चीज होती है। और लाइफ में जिस दिन पता चल गया ना, ये मैकेनिज्म पता चल गया ना, उस दिन से लाइफ काफी सारी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो हो सके तो इसके बारे में बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़िए, इंटरनेट से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे पास वक्त ज़्यादा रहा मेरे पास तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियोज़ ये सब चीज़ों के लिए अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए काम में आए, ठीक है? पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। दूसरा ये है कि वी आर अनेबल टू सी आवर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली। थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक शाहरुख खान का एक वीडियो था, उसमें बहुत ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि शायद कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को क्रेडिट दूंगा अपनी सक्सेस के लिए कि मैं नेचुरली अपने आप को हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखता था।
ये बहुत ही एक जरूरी होती है कि हम सब में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखें। ऑब्जेक्टिवली देखना मतलब क्या? ऑब्जेक्टिवली देखना मतलब अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखना हमेशा। ये मेरा एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए कि क्या हमें वो एबिलिटी है कि हम एक मिनट ठहर के हम अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखें और फिर हम एनालाइज करें कि हम पूरे दिन क्या करते हैं, किसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें ले रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो कंसिडर कि एक मूवी चल रही है और उसमें आप आपकी लाइफ आपको हर रोज़ डेली दिख रही है कि आप उठे, आपने ये किया, आपने वो किया। तो अपने आप को एक बड़ी स्क्रीन पे देखना तो आप क्या फील करोगे कि डेली आप क्या कर रहे हो, डेली डेली आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या फाइट कर रहे हो, क्या लूज कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग। जिस दिन आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखने लगो ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीजें अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत इजी है कि दूसरे लोगों को देखना, जैसे एक मूवी थिएटर में जाते हैं ना तो काफ़ी सारा क्रिटिसाइज कर डालते हैं कि भाई इसको एक्टिंग नहीं आती है, ये तो कौन सा मूवी बनाया है, ऐसा तो मूवी होता है। तो मैं काफ़ी सारे बात बोल चुका हूँ दूसरे वीडियोस में और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ अगर रिपीट कर रहा हूँ तो, कि बहुत ईजी है ना कि 100-200 रुपये दे के कोई मूवी को जज कर देना, पर कितना टफ हुआ होगा कि वो मूवी का आइडिया लेके वो मूवी बनाना। तो बहुत ईजी है कि थर्ड पर्सन को कोई तीसरे बंदे को देखो और क्रिटिसाइज करने लगो, उतना ही क्रिटिक अपने आप के लिए भी करो। ठीक है, जिस दिन आप ऑब्जेक्टिवली देखने लगोगे तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का फायदा होगा। ठीक है, फिर मैं ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई वी आर नॉट रेडी एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट इंस्टेंट फीडबैक। स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, 9:30 बजे ट्रेड एंटर किया, कई बार 10:30 बजे में भी लॉस आ जाता है, कई बार 12 बजे लॉस आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि बहुत इंस्टेंट फीडबैक होता है। लेट से आपने कितना रिसर्च किया, आपने कितने वीडियोस देखे, आपको अंदर से ऐसा लगा कि नहीं अभी मैं रेडी हूँ, अभी और अच्छा करूँगा, तो फिर भी कई बार लॉस हो जाता है, राइट। स्टॉक मार्केट कैसा है बताए कि वो कोई इंस्टेंट फीडबैक देता है। तो इसलिए क्या होता है कि अब हम ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन किया ही नहीं गया है कि हम इंस्टेंट फीडबैक ले पाए, उसमें से सीख पाए और जल्दी से वो चीज़ चेंज कर दे। क्योंकि इसलिए हमारी जो लूजिंग पोजिशन होती है स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा चलती है रादर देन हमारी प्रॉफिट पोजिशन। क्योंकि हम जो स्कूल में होते हैं उसमें क्या होता है कि एक एक साल मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, फिर हमें पता चलता है कि कितने मार्क्स आए, वो भी मार्क्स डिपेंड होते हैं एक स्पेसिफिक लिमिटेड लर्निंग्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो फीड जो हम जो करते हैं ना उसका जो फीडबैक टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत हाई होता है। स्टॉक मार्केट में हर 5 मिनट में आपको फीडबैक दिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट है ना, वो आपको ज़्यादातर बताएगी कि आप गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो। तो मैंने अभी क्या बोला कि जनरली हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी ऑल लाइक टू बी ए विनर। तो हमें स्कूल या कॉलेज से ये ट्रेन ही किया नहीं जाता कि फेलियर को कैसे ऑब्जर्व करें। आप देखना जितनी भी बड़ी स्कूल है बिजनेस स्कूल से, वो भी प्रीमियम स्कूल है, वो भी तैयारी नहीं करती बच्चों को कि लाइफ है, लाइफ फेयर नहीं है, आप 50 बार फेल होने वाले हो, ऐसा नहीं। वो बच्चों को, यंगस्टर को और पेरेंट्स को सिर्फ सक्सेस के लिए ही तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक समंदर में जा रहे हो तो आपको बता दी, अरे बोट, अच्छे से अच्छे बोट ले लो, हार्ड वर्क में बिलीव करो, भगवान पे विश्वास रखो, ये दरिया पार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, हमें ये सब ट्रेनिंग दी नहीं गई है कि भाई समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें करीबन 100 तरीके के खतरे हैं, उसमें इतने सारे वेव्स हैं, आपको ये समुद्र पार करते करते ही शायद 10 साल लग जाएंगे,
और उसमें ये 50 चीज़ों की आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ को लर्न करने के बाद आप जाओ, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें क्या कहा जाता है, एक अच्छी बोट ले लो, थोड़ा बहुत सामान ले लो खाने पीने का, हार्डवर्क करो, भगवान पे विश्वास रखो, खत्म। फिर क्या होता है, काफी लोग 1 किलोमीटर बोट चल के फेल हो जाते हैं, काफी लोग 5 दिन में 10 दिन में, तो ज्यादातर 97% लोग फेल ही होते हैं। सक्सेस बीच बीच में, जो बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट, कि समंदर में जाते जाते जो सीखते गए उसके हिसाब से 5% लोग सक्सेस हुए और समंदर पार करने लगे, बाकी सब फेल आउट हो गए। तो ये बहुत ट्रेजेडी है कि वी आर नॉट ट्रेंड एंड प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, वी आर ओनली ट्रेंड फॉर सक्सेस। तो ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वी ऑल आर ओनली ट्रेंड फॉर सक्सेस, और आइडियली एवरीबडी कैन मैनेज सक्सेस, राइट? यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू बी देयर। फेलियर को और लॉस को कैसे ऑब्जर्व करना, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सीखना पड़ेगा। अनदर थिंग, और ये मैं काफी सारी बार बोल चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ मिरर। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे नहीं जानना कि आपने कितना सीखा और आपने कितना रियलाइज किया, मालूम पड़ जाएगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे। तो मुझे जानना ही नहीं है कि आप हार्डवर्किंग हो कि नहीं हो, आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, आप पैशनेट हो कि नहीं। स्टॉक मार्केट इज अ मिरर, एज सिंपल एज दैट। वो आपको शो कर देगा कि आपने कितना रिसर्च किया है, कितना एनालिसिस किया है, कहाँ पे सही हो, कहाँ पे गलत हो, इमोशन सही है कि नहीं, आपकी मेंटालिटी सही है कि नहीं, आपका डिसिप्लिन सही है कि नहीं, आपका मैनेजमेंट सही है कि नहीं। स्टॉक मार्केट इज अ मिरर। तो आपको अपने बारे में जानना हो तो गो टू स्टॉक मार्केट, ठीक है? तो दूसरा ये है कि ऑल अवर मेजर डिसीजंस इन लाइफ आर बेस्ड ऑन इमोशन बट देन जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। आप देखना दोस्तों, ज्यादातर हमारे जो डिसीजन होंगे ना लाइफ में, कोई भी डिसीजन, वो इमोशनल ट्रिगर के बेस पे होते हैं, ना कि हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे। पर जो डिसीजन लेने के बाद जो रीजन आता है कि ऐसा क्यों लिया, तो उसका रीजन हम हमेशा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो देंगे। ये रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है कि आपने जितने भी लाइफ में डिसीजन लिए उसके पीछे इमोशंस होते हैं। बहुत रेयर केसेस में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से आया हुआ डिसीजन होता है। इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सब स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स टू फॉरगेट ऑल द इमोशंस। और जब हम रियल लाइफ टू स्टॉक मार्केट माइग्रेट करते हैं, तो हमारा जो एक कोर है, जो इमोशन के बेस पे डिसीजन लेता है, वही वर्क चालू रहेगा स्टॉक मार्केट में भी। और स्टॉक मार्केट तो ये माफ करेगा ही नहीं उन लोगों को कि जो इमोशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं, उनको तो वो दो धोखे मारने वाला है, राइट? इसलिए इमोशन को भूल जाओ। इमोशन के बेस पे जो डिसीजंस होते हैं वो लूज आउट ही करवाएगा आपको। इसके बारे में भी काफी सारा सीख सकते हैं, ठीक है? नंबर 12, वी डो नॉट लाइक टू लर्न, वी फील दैट लर्निंग मीन्स वी डू नॉट नो। ये जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ अपने आप को अभी के अभी क्वेश्चन करो कि आप डेली बेसिस पे कितना सीख रहे हो कोई भी चीज के बारे में, नॉट अलोन स्टॉक मार्केट। क्या आपने ऐसी डेली हैबिट बनाई है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखोगे? और मंथली बेसिस पे आपका कितना नॉलेज इंप्रूव हुआ है, कितनी बार चीजों के बारे में आप जानो? तो आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं 10,000 में से एक या दो बंदे ऐसे फोकस करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आज मैं बताता हूँ कैसा क्यों होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने स्कूल पास कर लिया, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, कॉलेज कर लिया, ये कर लिया, तो मार्केट में हम आ गए,
या तो कोई जॉब कर रहा है या तो कोई बिजनेस कर रहा है. सो दैट इज द एंड ऑफ लर्निंग फेज. ठीक है, तो बहुत मीनिंगलेस बात है. लर्निंग तो लास्ट जो ब्रेथ होता है हमारे लाइफ का तब तक का खत्म नहीं होता है. और लर्निंग कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नहीं, दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है तब जाके कोई फील्ड में आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे. तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हर रोज सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है. तो ये सब चीज़ों में लोग फेल क्यों जाते हैं? काफ़ी सारे लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छी नहीं लगती. कोई बंदे 20 साल में शायद एक बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हम सबको लर्निंग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लर्निंग कहीं ना कहीं हमारे स्कूल या कॉलेज मेमोरी के साथ एसोसिएट होता है. और मैं आपको बता दूं, अनफॉर्चुनेटली जितने भी ज़्यादातर स्कूल है और कॉलेजेस है वहाँ पर बहुत बोरिंग तरीके से सिखाया जाता है और बहुत बोरिंग टीचर्स होते हैं. बहुत ही रेयर स्कूलों में अच्छे टीचर्स और अच्छी मेथड होती है. इसलिए जो लर्निंग हमारे माइंड में जो एक इमोशन है ना, वो थोड़े नेगेटिव इमोशन के साथ एसोसिएट होता है. कि लर्निंग मतलब बुक, बड़ी बड़ी बुक लेके बैठो, उसमें घुसे रहो, उसमें अपना दिमाग लगाते रहो. लर्निंग ऐसा नहीं होता. लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. वो एक्चुअली स्ट्रेस रिलीवर चीज़ होती है. वो बहुत ही फन चीज़ होती है. अगर कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. पर क्योंकि ये हम सीख नहीं पाते, क्योंकि स्कूल में जिस तरह से हिस्ट्री सीखी जाती है वो क्या है, बहुत ख़राब तरीके से सीखी जाती है. फिर आता है जियोग्राफी, फिर आता है मैथमेटिक्स, फिर आता है साइंस. तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं बहुत ही अच्छे ही होते हैं, पर वो टीचर की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है. और हमें अलाउड नहीं है, हमारी सोसाइटी में ऐसा बोलना अलाउड ही नहीं है कि हम टीचर की वजह से पीछे रह गए, या तो टीचर के पास ऐसे इंटरेस्टिंग मेथड नहीं है सिखाने की, तो वो बोल नहीं सकते आप. ठीक है, तो नॉलेज होना और वो नॉलेज को सिखाने का तरीका, वो भी बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो दूसरी एक चीज़ होती है कि लर्निंग मतलब वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती, राइट, तभी आप लर्न करोगे. तो वो ज़्यादातर लोग अपने ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते. देखो, यहाँ पे भी मैं ईगो को बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये बात कुछ परसेंट तक ईगो से जुड़ी होती है कि हम सीख क्यों नहीं रहे. हम सीख इसलिए ले रही है क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वी डोंट नो और आई नीड टू लर्न. तो हम जो एज ए लर्नर का स्टेटस है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते. हमको ऐसा लगता है लर्नर मतलब जूनियर, अ ट्रेनी पर्सन, हम तो एक्सपर्ट हैं, राइट. बट ट्राई ये होनी चाहिए कि पूरी लाइफ हमें सीखना है. हमें एक्सपर्ट तो बनना ही नहीं, हमें सीखना है. और जो सीखने में वो मजा है वो कहीं पे भी नहीं है एक्चुअली. ठीक है, तो अगर आप सीख नहीं रहे हो तो सीखना चालू करो. सीखना बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. लर्निंग कैसे करते हैं उसका भी एक वीडियो जब वक्त मिलेगा मुझे तब बनाऊंगा. पर काफ़ी सारी ऐसी मेथड आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा ये कि टू मेक मनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड एंड अप्रोच इज रिक्वायर्ड. वी नो वी आर ऑल नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ किलिंग. तो अगर ये वीडियो स्टार्ट किया उसके चंद मिनटों में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ट्राइब्स होती थी, उसमें से कुछ लोग बाहर जाके हंटिंग करके पूरी ट्राइब के लिए लाते थे. तो मैं अगर आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं कि कोई एक जंगल में आप जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, कई बार जो अभी भी ट्राइब्स काफ़ी सारी होती है उनको मिलो, तो शायद 100-200 लोगों की ट्राइब होगी, 50 लोगों की, उसमें से 4-5 पीपल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हंटिंग करे और वो सूटेबल होते हैं हंटिंग के लिए. अगर कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से जो जिन पे जिम्मेदारी थी 4-5 लोगों पे, उनकी डेथ हो जाए तो क्या होगी, बताए कि पूरा ट्राइब ना उसका सर्वाइवल खतरे में आ जाता है. क्योंकि अब उनके पास वो टैलेंट नहीं है, अब उनके पास वो सूटेबिलिटी नहीं है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़्यादातर फर्क नहीं है
हम लोगों ने जो माइग्रेट किया ना एसी लाइफ से, तो ऑल ओवर सोसाइटी में अगर हम लोगों को इकट्ठा करें ना, तो आज की तारीख में क्या होता है कि जो हंटिंग वाले की हंटिंग एबिलिटी है वो सिर्फ 5 या 10% लोगों में ही है, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से मनी बना पाते हैं और बाकी लोग हैं वो मनी नहीं बना पाते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत पेनफुल चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने जो वीडियो बनाया है वो इतना सब्जेक्टिव है कि काफ़ी लोग डिसएग्री होंगे, अलग व्यू पॉइंट होगा, पर वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट बेस्ड ऑन माई सेल्फ जर्नी एंड ईच सेल्फ जर्नी इज डिफरेंट। ठीक है, सो दैट इज ओके। तो अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करो, उनको आइडेंटिफाई करो, तो पता चलेगा कि एक पैटर्न निकलेगी उसमें से। सम पीपल आर समहाउ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द मनी एंड मेकिंग द मनी, तो मैं वो हंटर वाली ट्राइब के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। तो हमको ये सिखाया ही नहीं जाता कि मनी क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए कि भाई आपको शिकार को मारना है, उसको पीछे भाग के उसको मारना है, तो काफ़ी लोगों को ये मर्डर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, कि जो मनी के लिए एक अलग तरीके से सोच चाहिए, माइंडसेट चाहिए, तो ऐसा माइंडसेट डेवलप ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ जॉब के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें सिर्फ कोऑपरेशन, सपोर्ट, ऐसे सब टीम स्पिरिट, ऐसे सब बातों के लिए तैयार किया जाता है। और मनी के लिए काफ़ी सारी चीज़ जो करनी पड़ती है, कि काफ़ी सारी चीज़ों में एग्रेसिव बनना पड़ता है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज ऑन द स्पॉट चेंज करनी पड़ती है, बहुत डायनामिक माइंडसेट चाहिए होता है, तो वो डेवलप करना बहुत हार्ड हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको रिलेट कर रहा हूँ कि वी आर ऑल नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ किलिंग, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वो अल्फा माइंडसेट है हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये है कि वी आर मेड फॉर टीम वर्क एंड स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट द टीम वर्क। तो स्टॉक मार्केट इज अ ब्लडी बिजनेस, अगर एक जीत रहा है तो किसी और को लूज होना पड़ेगा। तो हमें जब हम रेज होते कोई फैमिली में और स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, तो टीम वर्क आता है, ऑफिस में भी टीम वर्क आता है। और स्टॉक मार्केट इज अ ब्लडी बिजनेस, इट्स लाइक अ बैटल फील्ड। आप तलवार लेके जा रहे हो अंदर, या तो आप मर के आओगे या तो मार के आओगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बात खत्म करो, ऐसा होता है। तो आपको बैटल फील्ड में जाके कोऑपरेशन नहीं करना है, कोऑपरेशन नहीं हुआ तब जाके तो बैटल हुई, राइट? तो ऐसा है कि कितने लोग टीम वर्क के अगेंस्ट वाला माइंड सेट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बोला ना, जिस तरह से आप अप्रोच करते हो वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड होता है, आपका अभी तक का लर्निंग, आप कैसे फैमिली से आए हो, आपका अभी तक का माइंडसेट, काफी सारी चीजों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर अप्लाई होता है, तब जाके पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये कि वॉट मैटर्स इज हाउ बेड यू नीड इट। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज सीखना है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें से मनी बन सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ बेड यू वॉन्ट इट, तो मैंने उसको उसको भी थोड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके बोला कि हाउ बैड यू नीड इट। तो ये हम जो बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, वो अगेन हमारी स्कूल मेंटालिटी है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि सीखो, इकोनॉमिक्स को ले लो, अकाउंट्स को ले लो, मैथ्स को ले लो, सीखो, एक बार रिविजन नहीं 50 बार 100 बार करो, सब कुछ कवर कर लो और 100 में से 100 लाखों। तो हमें लगता है कि मैं जितना सीखूंगा, जितना हार्डवर्क करूंगा, उसके बेस पे रिजल्ट आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आगे से बोला कि लर्निंग करना जरूरी है, ऑफ कोर्स लर्न करना जरूरी है, पर प्रैक्टिकल चीजों की मैं बात कर रहा हूँ,
दूसरा है कि लर्निंग करने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस करके रियलाइज भी करो वो सब चीजें। तीसरी चीज है कि कोई चीज को आप हाउ बेड यू नीड इट, आप किस लेवल तक जाके वो चीज पाना चाहते हो बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत मैटर करेगी क्योंकि आप कितने डेस्परेट हो। तो वो इस एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं कितने इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे पानी में आपको डाला जाए और आपकी सांस रोक जाए तो आपको पता है कि आप मरने वाले हो, तो उस पॉइंट पे आप कितना आपको फील होगा कि नहीं मैं बाहर निकलूं वरना मैं मर जाऊंगा, तब बहुत फाइट करोगे राइट, बिकॉज आपकी लाइफ की जो लास्ट मोमेंट होगी वो सब आपके सामने आने लगेगी राइट। कि अब तो बात खत्म होगी, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। तो जब आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो उसके लिए अपने आपको जो तैयार करना है वो डिपेंड करता है कि हाउ बैड यू नीड इट। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि शायद 10,000 में से 2-3 लोग ही ये कर पाते हैं। मैं 100-100 वाला रेशियो तो लेता ही नहीं हूँ क्योंकि हम सबको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में सब कुछ है, मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ लर्निंग करने के लिए। बट अगेन थोड़ा बैठो, आपका ईगो ही आपको धोखा दे रहा है, वो आपको ऐसा लगता है, रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में तो पूरे एक दिन में भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया होता है अपने आप के लिए भी। रियलिटी में भी एक महीने में भी अपने आप को आप इतना इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। तो हमें रिजल्ट चाहिए, पर वो रिजल्ट के लिए जो हाथ पैर मार रहे हैं वो हमको लगता है, हमको सिर्फ लगता है कि नहीं ऐसा कर रहे, पर अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप ऑफेंसिव लग जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ है। तो 15 चीज़ लिखी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने खुद रियलाइज की थी स्टेप बाय स्टेप। और जब जब मेरी मिस्टेक्स होती थी तो बैक एंड फोर्थ में आता था और एक एक चीज लर्न करता गया करता गया करता गया करता गया, तो देन आई रियलाइज। तो मेरा ये रियलाइजेशन ये था कि स्टॉक मार्केट देर इज अ मैड एलिफेंट इन स्टॉक मार्केट एंड दैट एलिफेंट लाइक्स टू डांस। नाउ एवरी डे आई नीड टू मीट दिस एलिफेंट, इट नोज मी वेरी वेल एंड आई हैव टू डांस विद इट टू मेक मनी। तो जैसे सुबह 9 बजे अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो जितने भी आप ट्रेड्स लेते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सामने कोई मैड एलिफेंट बैठा हुआ है, और कहाँ एलिफेंट का साइज और कहाँ हमारा साइज। और ये एलिफेंट ऐसा एक जो मैड है, क्रेजी एलिफेंट है, मैड भी है और ये डांस भी कर रहा है। तो डांस कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि अगली 40 की क्या होगी, वी नेवर नो। फिर भी इस एलिफेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके साथ हर रोज काम करना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा और आपको जीतना भी है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल दे, दिस काइंड ऑफ एलिफेंट। अब दूसरी बात ये है, मजे की बात ये है कि मैं ये एलिफेंट को ये तो नहीं बोल सकता कि भाई तू मेडिटेशन कर। तो मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, ये पिक्चर भी यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है, काफी बार क्या होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो वी वांट प्रॉब्लम टू डिसअपियर और वी वांट प्रॉब्लम टू सॉल्व इट बाय इटसेल्फ, ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मैं वो जो ये मैड एलिफेंट है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई तुम मेडिटेशन करो। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट करो कि क्या चीजें चेंज हो सकती है और क्या चीजें चेंज नहीं हो सकती। रियलिटी है कि मुझे मेडिटेशन करके इस मैड एलिफेंट को हैंडल करना पड़ेगा, ना कि मैं मैड एलिफेंट को बोलूंगा कि भाई तू शांत हो जा और मेडिटेशन कर, ठीक है, और इसके साथ डांस करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लाइफ में क्या आएगा कि जब रियलाइजेशन होता है ना तब जाके वो जो एलिफेंट होगा ना वो शांत होगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके लेवल तक आके डांस करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा एक क्वोट था जो मुझे मिला कि व्हेन वी प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन वी आर द फर्स्ट वन टू प्रॉफिट।
तो रूमी करके थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्होंने लिखा था कि जब हम काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं और कंपेशन, तो सबसे पहला प्रॉफिट हमको होता है, सामने वाले को नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ जर्नी के थ्रू जाओगे, डिस्कवरी करोगे, तो जो मैड एलिफेंट होगा ना, वो शांत होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, राइट? पर मैं एलिफेंट को ब्लेम नहीं कर सकता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें अपने आप को ढूंढना है सबसे पहले, और बाद में इतना कैपेबल बनाना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो डांस कर रहा है, हम वो उनके साथ भी डांस कर लेंगे, ठीक है? तो जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि एक ये मेरा लोगो है, पैसा तो बनेगा का, जो मैं काफी सारी जगह यूज करता रहता हूँ, ये गणेश का। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि सबसे पहले तो जो मेरा वाला जो मैड एलिफेंट है, वो शांत हो गया है मेरे लिए, आई नो। दूसरी बात ये है कि आई कन्वर्टेड मैड एलिफेंट इन टू गणेश, दैट इज अ व्हाट व्हाट्स एवर द नेगेटिव थिंग्स फॉर इट, आई ट्रांसफॉर्म, आई डिड नॉट चेंज, आई ट्रांसफॉर्ड इन टू अ पॉजिटिव वन, दैट इज गणेश, राइट? और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी। और कहीं ना कहीं जब हर रोज मैं ये सिंबल को देखता हूँ, मेरे जो टेम्पलेट्स हैं, मेरे जो विजिटिंग कार्ड है, या तो हर एक जगह पे बिजनेस पे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे हर बार ये याद आता है कि आई शुडंट फॉरगेट द मैड एलिफेंट, ठीक है? कि उसको भूलो मत। तो ये सिंबल चूज करने के पीछे भी काफी सारे गहरे रीजन थे कि व्हेन आई डेली वेक अप, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच सक्सेसफुल आई एम और हाउ मच मनी आई एम मेकिंग और नॉट मेकिंग, आई मस्ट नॉट फॉरगेट दिस एंड आई हैव टू सैल्यूट दिस एलिफेंट, ठीक है? तो यहाँ तक का वीडियो का जो मेजर पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी जो सेल्फ डिस्कवरी या तो जर्नी थी, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि सिर्फ विश मत करो, सिर्फ हार्डवर्क मत करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ। और बहुत पेनफुल जर्नी रहेगी, और सक्सेस रेशियो देख लो कि 10,000 में से 3-4 लोग ही ये कर पाते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मैं कर पाऊंगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि शायद वो सही नहीं है। वो बोलने के लिए भी आपको पहले काफ़ी सारी चीज़ें हो उसको सीखना पड़ेगा, तब जाके उस लेवल पे आप आ सकते हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स जो मैंने बोले, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि वो रियलाइज हुए। एक वीडियो में प्रिपेयर करूंगा कि जहाँ पे मैं इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे, ठीक है? तो जब अपने आप को आप तैयार करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है, कोई चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है हमारे अंदर और भी काफ़ी सारी गहरी चीज़ों, उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, इस वीडियो में वो कवर अप नहीं करूँगा, कि वो भी एक अगेन फिलोसॉफी है जो मैंने डेवलप की है, जैसे एक मेरी मैड एलिफेंट वाली फिलोसॉफी है, तो मुझे बहुत काम में आई है। तो दूसरी ऐसी मेरी फिलोसॉफी है मॉन्स्टर वाले। तो एक दो कोट है बहुत अच्छे, जिसको मैं कंक्लूसिवली आपको बता सकता हूँ, और एक वीडियो अलग क्रिकेट प्रिफेयर करूँगा, तब तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अभी के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। बहुत ही एक अच्छे ऑथर है स्टीफन किंग, उनका ये कहना है कि मॉन्स्टर्स आर रियल एंड द गोस्ट आर रियल टू, दे लिव इनसाइड अस एंड समटाइम दे विन। क्या बोलना चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स रियल है, गोस्ट भी रियल है, और वो हमारे अंदर रहते हैं, और कई बार वो जीत भी जाते हैं, राइट? हमको बाहर ये चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑल द मॉन्स्टर्स आर विद इन अस एंड सम टाइम दे विल विन। तो हो सकता है कि वो मॉन्स्टर्स को फाइंड करने की जरूरत है और मेक श्योर कि वो जीत ना पाए, ठीक है? तो उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। दूसरा चीज है, वी स्टॉप चेकिंग फॉर मॉन्स्टर अंडर अवर बेड व्हेन वी रियलाइज दैट देवर इनसाइड ऑफ अस। तो मॉन्स्टर्स को हम ज़्यादातर ढूंढते हैं तो अपने बेड के नीचे या तो अलमारी में ढूंढते हैं, पर जिस दिन ये रियलाइज होगा कि अरे मॉन्स्टर तो हमारे अंदर ही छुपते हैं, तो उस दिन हम स्टॉप हो जाएंगे कि वो हम उनको ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें अपने आप के फाइट करना पड़ेगा, राइट? तो एक क्रिस्टोफर नोलान का कोट है डार्क नाइट सीरीज का, बहुत अच्छा है। एक दूसरी मेरी थियरी है कि मॉन्स्टर्स वाली, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा दूसरे वीडियो के थ्रू, तब हम ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है?
दोस्तों दूसरी एक बात है कि जो लोग नहीं चाहते उनको बता दूं कि काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, इंट्राडे मास्टर प्रोग्राम, स्विंग मास्टर, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये चार पांच प्रोग्राम है, उसकी टोकन फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। और इसमें आपको कॉल्स मिलेंगे इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ऑप्शंस के लिए। और आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब में लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। और ये टोकन फीस इसलिए मैंने रखी है कि मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, मेरे दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, उसमें से पता चलेगा कि कौन से अलग अलग प्रोग्राम हैं। जैसे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मास्टर प्रोग्राम विच इज़ ओनली फोकसिंग ऑन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी एटसेट्रा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये ईमेल है, आप उस ईमेल पे क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को विजिट कर सकते हो, आप मेरे थ्रू ट्रेड भी कर सकते हो। हालांकि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इफ़ यू विश यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट। और हर एक तरह की लिंक मैंने ऑलरेडी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त देने 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 के लिए शुक्रिया। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू।